तो दोस्तों वाईफाई जो आपके फोन में सेटिंग दे रखी है, मेरे को सब लोग बताओ क्या करते हो। वाईफाई लगवाया, किसी का हॉटस्पॉट ऑन किया, जल्दी से धड़ाधड़ भैया नोटिफिकेशन से वाईफाई ऑन किया, अंदर घुसे, अब मेरा वाईफाई नहीं शो कर रहा भैया। जैसे ही शो करा, ऑन कर दिया, कनेक्ट कर दिया, पासवर्ड डाल के, ओके बस बैक जिंदगी में मानी वापस जाते दोस्तों। लेकिन मैं बता रहा हूँ, वाईफाई में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जो कि अगर आप यूज करोगे तो आपको लगे क्या ये भी था मेरा वाईफाई में। तो ये ओवर एक्टिंग नहीं है, दिस इज सच, एंड आई एम टेलिंग यू टूडे वट इज आई एम गोइंग टू टेल। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो, बहुत नॉलेजफुल है गाइस। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मस्त मस्त वीडियो आते रहेंगी। देखते हैं क्या क्या सेटिंग्स हम आपको बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम नोटिफिकेशन शेड से जो है वाईफाई सेटिंग्स को ओपन करते हैं। आप डायरेक्ट सेटिंग से भी कर सकते हो, हम नोटिफिकेशन शेड में चलेंगे। ये वाईफाई है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, वाईफाई वाली सेटिंग खुल जाएगी। अब गाइज यहाँ पर हमारा वाईफाई खुल चुका है और ये सेटिंग आनी शुरू हो चुकी है। अब गाइज यहाँ पर सबसे पहला बटन है स्कैन QR कोड। यहाँ पर गाइज आपको ये ऑप्शन या तो डायरेक्ट बाहर मिल जाएगा, मोर ऑप्शन मिलेगा, है ना, आप फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपके सामने जो है कैमरा ओपन हो चुका है और आपको किसी वाईफाई का यहाँ पर QR कोड लेना है। या तो आप किसी वाईफाई का अगर कहीं जाते हो, तो अगर आपको कहीं दिखाई देता है कि यहाँ इस वाईफाई का QR कोड लगा है, तो सीधा उसके सामने आप कैमरा लेके जाओगे और स्कैन कर लेगा। अगर आपको अपने फोन का ही हॉटस्पॉट का QR कोड चाहिए, तो आप सिंपल सा अपने हॉटस्पॉट पे और स्कैन QR कोड पे क्लिक करोगे और वहां पर एक QR कोड दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ से स्कैन करके उसको बिना पासवर्ड के कनेक्ट किया जा सकता है ना। तो ये एक बेहतरीन तरीका है, लीगल तरीका है, अच्छा तरीका है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है और कहीं QR कोड लगा, तो आप उसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बस यहाँ पर आपको QR कोड दिखा रहा हूँ, कनेक्ट हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना, क्लिक भी नहीं करना, खुद ही करके देगा भैया सब कुछ। तो बैक करेंगे। Wi-Fi assistant. अब गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन है वाईफाई असिस्टेंट, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है, देखते हैं। Wi-Fi connection optimization. यहाँ पर है कनेक्शन ऑप्टिमाइजेशन। Traffic mode, allocate bandwidth to apps and background downloads. Tick box. गाइस यहाँ पर ट्रैफिक मोड आपका ऑफ होगा, आप इसको ऑन अगर करते हो तो यहाँ पर आपको दो यूजफुल ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये एलोकेट विद, मतलब जो आपकी वाईफाई की स्पीड है उसको ये एलोकेट करेगा, मतलब दोनों भी जगह बराबर करेगा। मान लीजिए आप YouTube चला रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, और प्ले स्टोर में बैकग्राउंड में कोई ऐप अपडेट हो रहा है, या YouTube मतलब कुछ ऐप डाउनलोड हो रहा है, अपडेट हो रहा है ना। तो आप क्या चाहते हो कि आपकी YouTube की वीडियो जो चल रही है नेट उस पर ध्यान दे, या जो बैकग्राउंड में चल रहा है भैया उस पर ध्यान दे? तो यहाँ पर आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों पे ध्यान दे, है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर बैलेंस्ड है, मतलब कि प्ले स्टोर में भी आपकी बराबर स्पीड आएगी, यूट्यूब में भी आपकी बराबर स्पीड आएगी, आप कुछ भी करो, है ना। तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये मैंने आपको YouTube और Play Store का एग्जांपल समझाया है। ऐसे आप कोई भी ऐप यूज करो, और दूसरी ऐप में अगर बैकग्राउंड में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो किस पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो आपका कनेक्शन फास्ट हो, तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। तो होगा क्या, यहाँ पर जो आप ऐप यूज कर रहे हो उसको प्रायोरिटी मिलेगी कि इस ऐप पर अभी ध्यान दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर हमको ये दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आप मतलब ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड वाली भैया पूरी बंद हो जाएगी, वो भी डाउनलोड होती रहेगी, लेकिन ज्यादा फास्ट इसको मिलेगा, मतलब 72-75% नेट या 65% इसको मिलेगा प्रायोरिटी फर्स्ट ऐप को आपकी, और सेकंड जो बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रहा है उसको 30-35% मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो, काफी अच्छी चीज है ये। वाईफाई ये ऑफ होता है बाई डिफॉल्ट। अब यहाँ पर एक डिवाइस हमारा कनेक्टेड है, यहाँ पर हम फैमिली नेटवर्क डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपको वाईफाई के आगे नेटवर्क डिटेल मिलेगी, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, okay, गाइज यहाँ पर आप कनेक्शन स्पीड देख सकते हो, वाईफाई को कितनी स्पीड दे रहा है ना, ये 433 मेगाबाइट पर सेकंड स्पीड यहाँ पर दे रहा है। तो आप स्पीड यहाँ से देख सकते हो वाईफाई की, किसी ऐप की आवश्यकता नहीं है। सिग्नल स्ट्रेंथ एक्सीलेंट है। Security. WPA/WPA2 personal है, मतलब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड वाईफाई है, अगर ये ओपन होता तो इसमें कोई सिक्योरिटी ना होती। IP address. तो यहाँ पर हमारा IP address दिखाई दे रहा है। Subnet mask.
सबनेट मास्क है, राउटर है, प्रॉक्सी। अब यहाँ पर आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पर नन सिलेक्ट हुआ है। अब गाइज अगर आप कोई वाईफाई फ्री कनेक्ट कर रहे हो, मिल गया भैया, मजे आ गए भैया, हाई स्पीड में चल रहा है सब कुछ, तो यहाँ पर गाइज कभी भी अपने ओरिजिनल नेट से, अपने ओरिजिनल आईपी एड्रेस से आपको कभी भी यहाँ पर कनेक्ट नहीं करना चाहिए। या तो आप वीपीएन कनेक्ट कर लो, वीपीएन कनेक्ट करने के आपको पता है बहुत सारे तरीके, ऐप भी आते हैं अच्छे अच्छे सिक्योर, ब्रोसेक वगैरह, या तो यहाँ पर आके आप प्रॉक्सी सेट कर लो। प्रॉक्सी मैंने दो दिन पहले बताई थी व्हाट्सएप की वीडियो के लिए, देखो यहाँ आ गई ना काम। तो प्रॉक्सी आपको यहाँ से लेनी है, उठानी है, और मैनुअल पर क्लिक करना है, यहाँ पर एडबॉक्स खुल जाएगा, आपको अपनी प्रॉक्सी लिख देनी है बस, और वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस है वो नहीं जाएगा, आपका ये जो प्रॉक्सी आपने सेट किया उससे जाएगा। आईपी सेटिंग्स है, इसको इग्नोर करेंगे, मतलब इसको आपको नहीं छेड़ना है। अब प्राइवेसी में यहाँ पर दो ऑप्शन है, यूज रैंडमाइज्ड मैक, यूज डिवाइस मैक, तो डिवाइस मैक पर आपको नहीं रखना है, यूज रैंडमाइज्ड मैक पे आपको रखना है ना, डिवाइस का मैक यहाँ पर नहीं यूज होना चाहिए अगर आप किसी भी फ्री वाईफाई से कनेक्ट करते हो, ताकि गाइज आपकी जो डिवाइस की ज्यादा से ज्यादा चीजें आप हाइड कर सको, है ना। अगर आप प्रॉक्सी भी यहाँ पर डालते हो तो आईपी एड्रेस तो शो होगा, लेकिन वो आपका रियल नहीं होगा, वो अलग शो होगा जिस कंट्री का आप यहाँ पर प्रॉक्सी सेट करते हो। तो यहाँ पर आपको सेटिंग करनी है। अब मॉडिफाई नेटवर्क यहाँ पर मिल रहा है, डायरेक्ट इसका चेंज कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह देखिए, है ना, पासवर्ड बदल सकते हो, कैंसिल करेंगे, और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन फॉरगेट, आप इसको हमेशा के लिए भुला सकते हो दोस्तों, जिंदगी से भूल जाएगा ये, भुला। तो ये गाइज हमको कुछ काम के ऑप्शंस वाईफाई में देखने को मिलते हैं, जिनका कि हम लोग यूज नहीं करते, वाईफाई को बस हम ऑन करते हैं, धड़ाधड़ भैया नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा मेरा, भैया नेटवर्क नहीं शो कर रहा, ये मिल गया बस पासवर्ड डाला कनेक्ट, वाईफाई से बाहर जिंदगी में नहीं मुड़ के देखते उस कदम पे। तो ये आपको नहीं करना चाहिए दोस्तों, अब बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है भैया हर एंड्रॉइड की हर एक चीज पे। तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा, काफी नॉलेज मिली होगी, काफी इंपॉर्टेंट सी वीडियो थी ये। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो, फीमेल्स के लिए भी अलग से ग्रुप्स बनाए गए हैं, तो वो भी वहां पे जाके जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।